फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, SSC, CGL सब में, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, मेरी चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके पहले समझते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यहाँ सोलर रेडिएशन जो है, सूरज का जो सोलर रेडिएशन इंटर कर रहा है अर्थ में, तो उसके कारण जो है यहाँ पे ये नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सोलर रेडिएशन इंटर कर रहा है और रीएडमिशन भी इसका हो जा रहा है और उस पर कुछ थोड़े बहुत जो है बच जा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो ये जो है, अब ये तो नॉर्मल कंडीशन है तो सही है, मगर जब ह्यूमन इन्हांसमेंट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ को देखिए। देखिए, सोलर रेडिएशन जो यहाँ पे कर रहे हैं वो सही है, फिर जो इसका री रेडिएशन जो हीट का हो रहा है, जो वापस जाने की जो क्रिया है वही इफेक्ट हो जा रही है। जो री इमिटेड हीट हो रहे हैं कम हो पा रहे हैं और जो मोर यहाँ पे है यहीं पे रह जा रहे हैं, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म हो जा रहा है। तो इसी जो कंडीशन को कहते हैं हम क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को देखिए, अब समझ में आ जाएगा इससे। हीट फ्रॉम अर्थ इंटर द एटमॉस्फेयर, हीट क्या कर रहा है, इंटर द एटमॉस्फेयर, सम ऑफ विच रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ, कुछ जो है वापस हो जा रहे हैं, बैक हो जा रहे हैं। तो दिस कंटिन्यू प्रोसेस सरफेस द लैंड एंड वाटर गेट हीट अप, ये कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण जो लैंड के वाटर हैं और जो लैंड है वो हीट हो रहे हैं। तो सिंस द अमाउंट ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज, मगर जब ये अमाउंट क्या इसका इंक्रीज हो रहा है, CO2 का इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा जो नेट गेन ऑफ हीट जो हो रहा है, उसका जो है हीट का जो है वो नेट गेन वो बढ़ते जा रहा है, वो हायर होते जा रहा है, जिसके यूज़ करने से CO2 बढ़ जा रहा है, N2O बढ़ जा रहा है, CH4 गैस बढ़ रहा है, जो ग्रीन हाउसेस गैस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है वो कंडीशन को वार्मर कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं और इन्वायरमेंट में जो है वो जो सूरज का जो किरण है वो उसको वापस नहीं जाने दे रहे, जिसके कारण जो है कंडीशन ये वार्म होते जा रहा है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। इसमें ग्रीन हाउस जो ग्लासेस हम बनाते हैं ग्लास के, उसके बारे में पहले देख लेते हैं ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस क्या है, जो ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है वो ठंडे प्रदेशों में बनाया जाता है। इस ग्रीन हाउस में ये जो है इस जगह को वार्म करने के लिए, ताकि पेड़ पौधे अपना यानी भोजन बना सके, और यहाँ पर बहुत कोई सब्जी उगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने घरों में भी इसका यूज़ करते हैं ठंडे प्रदेशों में। तो देखिए इसका क्या है, ग्रीन हाउस विथ ग्लास स्लाइड वाल रूफ, इसके जो ग्लास के ही बने होते हैं रूफ, छत भी बने होते हैं ग्लास के और जो इसके दीवार भी बने होते हैं ग्लास के। फॉर किसके लिए, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारे लोग सब्जी उगाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, प्लांट ग्रो अप के लिए। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन कोल्ड वेदर टू ग्रो प्लांट टू वार्मर क्लाइमेट। The air inside the greenhouse remains warmer than outside because it receives solar radiation through the glass top and slide wall, but glass prevent the heat inside the glass house from being lost to the atmosphere, thus the greenhouse becomes much warmer than outside. मतलब ये जो है ग्लास के जो बने हुए हैं ये जो रूफ़ और ये जो इसके दीवार बने हुए हैं ग्लास के, तो वो जो है सूरज की रोशनी को कैप्चर तो करते हैं मगर उसे वापस नहीं जाने देते, जिसके कारण ये जो है ये जो इन्वायरमेंट है बहुत ही वार्मर हो जाता है। किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इसी को प्लांट ग्रोथ के लिए ये वार्मर कंडीशन यहाँ पे लाया जाता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है जिसके कारण ये वापस नहीं जा पाता है, तो एक इन्वायरमेंट एक जो है वो एक वार्मर हो गया, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। ग्रीन हाउस गैसेस से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और ग्रीन हाउस से भी ये बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं कितने होते हैं। चार तरह जो होते हैं मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये सब कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, कहाँ से ये होते हैं, कहाँ से इसका कम किया जाने से ये वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होते हैं, 60% जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस यानी कि
एटमॉस्फेयर में होते हैं। इट इज़ चीफली प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? बर्निंग ऑफ फ्यूल से बहुत ज़्यादा ही होते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिलीज बाय द प्लांट एंड एनिमल रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो होता है प्लांट और एनिमल का, उस प्रोसेस से भी CO2 का एक्सक्रीशन होता है। द लेवल ऑफ CO2 एटमोसफेयर इंक्रीज फ्राम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ 280 PPM टू 368 PPM इन 2000। इन 2000 में जो इसका जो PPM जो है पार्ट पर मिलियन कहलाता है, तो ये जो है 280 से 368 PPM जो हो गया, मतलब इंक्रीज करते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है CO2 2000, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दिस इज़ ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इसके कारण किसके कारण हो रहा है? फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट जो कटते जा रहे हैं, तो प्लांट जो CO2 यूज़ करते थे खाने बनाने के लिए, तो वो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके कारण जो CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डिक्रीजमेंट ऑफ द CO2। देन द मिथेन, द सेकेंड गैस इज मिथेन। मिथेन इज द प्रोड्यूस फॉर इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन कॉज बाय द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड मेथेनोजेन एंड इन अनैरोबिक कंडीशन। तो जो मिथेन है वो क्या प्रोड्यूस, मतलब कैसे हो रहा है इसका डिकम्पोजिशन, किसके कारण? तो बैक्टीरियल जो है मेथेनोजेन के कारण होता है। इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन मतलब कम्बसन के कारण हो रहा है। एनैरोबिक कंडीशन, या एनैरोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, एनैरोबिक कंडीशन कहलाता है। तो इट इज़ प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रॉम गार्बेज, फ्रॉम फ्रेश वाटर वेटलैंड एंड द फ्लूडेड राइस फील्ड एंड द इंटरिक फर्मेंटेशन इन द कैटल। फर्मेंटेशन हो रहा है जो कैटल का, उससे हो रहा है, रिलीज हो रहा है मिथेन का। गार्बेज डंप से हो रहा है, फ्रेश वाटर वेटलैंड से हो रहा है, फ्लूडेड राइस फील्ड से हो रहा है, ये सभी जगह से मिथेन का एक्सक्रीशन हो रहा है। और हम आगे भी देखेंगे किस सेक्टर से कौन सा गैस कितना कितना रिलीज हो रहा है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। द कंसेंट्रेशन ऑफ मिथेन इज एटमोसफेयर इज मच मोर दैन डबल। अब तो भी इसका कंसेंट्रेशन जो डबल हो गया, 700 PPB से 1750 PPB हो गया। PPB इज द पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन इज अ PPB। तो 700 PPB से 1750 PPB हो गया, यानी डबल हो गया है गैस। अब हम तीसरा देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर से ये इसका एक्सक्रीशन होता है, एरोसोल प्रोपेलेंट से होता है, इंसुलेटर से होता है, फायर एक्सटिंग्यूसर से होता है। जो फायर एक्सटिंग्यूसर यूज़ करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, कार में AC यूज़ करते हैं, घर में AC यूज़ करते हैं, आजकल तो हर जगह AC यूज़ किया जाता है। इसके कारण जो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक पैदा करने के लिए जो CFC का यूज़ किया जाता है, उसका एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे हो रहा है? तो CFC इज़ अ सिंथेटिक गैस, एक सिंथेटिक गैस कंपाउंड है, कार्बन और हैलोजन का ये कॉम्बिनेशन है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक तो नहीं है, नॉन इन्फ्लामेबल भी है, नॉन इन्फ्लामेबल है यानी कि ये फ्लेम नहीं करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्यूसर में। एंड हाईली स्टेबल कंपाउंड, ये जो होता है, ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, हाईली स्टेबल होने के कारण ही ये खतरनाक होता है। हाईली स्टेबल होता है कैसे? ये जो CFC परसिस्ट करता है 45 से 260 वर्ष तक, यानी कि 45 वर्ष से लेकर 260 वर्ष तक ये टिके रहता है, ये एटमॉस्फेयर में रहता है, मौजूद रहता है 45 साल से 260 एटमॉस्फेयर यानी कि ईयर तक। इसी कारण जो है गैस, जैसे यहाँ पे 45 साल तक जैसे बढ़ते जा रहा तो एक लेयर सा बन जाता है। तो CFC परसिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो ये हाईली स्टेबल होने के कारण। अब तो चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। द मेन सोर्सेस ऑफ N2 इज़ एग्रीकल्चर, बायोमास, बर्निंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। का मेन सोर्सेस क्या है? एग्रीकल्चर है, बायोमास है, बर्निंग एंड बायोमास बर्निंग जो होता है वो है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इसका एक्सक्रीशन होता है, एंड किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इट इज़ प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है सोयल में, उससे हो जाता है, इसका एक्सक्रीशन होता है, और जो नाइट्रेट कंटेमिनेंट ग्राउंड वाटर से भी हो जाता है, और बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन रिच फ्यूल, जो बहुत सारे नाइट्रोजन रिच फ्यूल के बर्निंग से हो जाता है, जलने के बाद जो N2O निकलता है वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाते हैं। एंड ड्यूरिंग नायलॉन प्रोडक्शन, जब नायलॉन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होता है, जो यानी एटमॉस्फेयर में जाके परसिस्ट कर जाते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो
सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था कि अबंडेंट कौन है, 60% से सी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 20% है मीथेन, 40% है सीएफसी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एंड 6% जो है N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं कि CO2 यानी कि सबसे ज़्यादा कौन अबंडेंट है गैस का, तो CO2, और इंक्रीजिंग लेवल पर भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद CFC, उसके बाद N2O। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद हमेशा रखिएगा कि ग्रीन हाउस कितने परसेंट कौन सा क्या है। तो अभी भी देखते हैं कि कौन से सेक्टर से कितना CO2 मतलब N2O और मीथेन का एक्सक्रीशन हो रहा है। द इंक्रीजिंग इन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर हैज़ थ्री पॉसिबल इफेक्ट। देयर आर ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीजिंग करने के, जो ग्रीन हाउस इंक्रीजिंग कर रहा है इसका क्या पॉसिबल इफेक्ट हो रहा है, तीन चीज़ें। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, उसका सी लेवल का, सी का जो लेवल है वो पानी का वो बढ़ते जा रहा है, स्तर बढ़ते जा रहा है उसके पानी का। ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है वो उसके इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। और CO2 फर्टिलाइज इफेक्ट जो हो रहा है वो प्लांट्स में, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय द सेक्टर, हर सेक्टर से कितने सारे ग्रीन हाउस का ये इमिशन हो रहा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए 60, यहाँ सबसे ज़्यादा पावर स्टेशन से हो रहा है, 21.3% हो रहा है। इसमें भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 16.8% हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से 14% हो रहा है, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से 12.5% हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से 11.3% हो रहा है, रेसिडियल्स एंड कमर्शियल से 10.3% हो रहा है, लैंड यूजर्स एंड बायोमास बर्निंग से 10% हो रहा है, और वेस्टेज डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट से 3.4% हो रहा है। तो देखिए सबसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है पावर स्टेशन से, तो 29.5% पावर स्टेशन से इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद 20.6% कहाँ से हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। उसके बाद 19.2% ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से। उसके बाद 12.9% यह आपका रेसिडेंशियल कमर्शियल से, और 9.1% कहाँ से हो रहा है, लैंड यूजर्स से, और 8.4% कहाँ से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से। और ये जो है आपका टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है वो। अब हम देखते हैं मीथेन, मीथेन का सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है इमिशन, जो 14.40% हो रहा है एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जो हो रहा है 29.6% कहाँ से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। उसके बाद 18.1% कहाँ से हो रहा है, लैंड यूज लैंड डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट से हो रहा है। उसके बाद 6.6% कहाँ से हो रहा है, लैंड यूजेस से हो रहा है। फिर 4.8% कहाँ से हो रहा है, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल से हो रहा है। तो ये जो है पूरा आपका मीथेन का है। तो हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, 62% कहाँ से हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हो रहा है। उसके बाद फिर देखिए 26.0% कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है लैंड यूजर्स से हो रहा है। उसके बाद 5.9% कहाँ से हो रहा है, ये आपका फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। फिर 2.3% कहाँ से हो रहा है, वेस्टेज डिस्पोजल से हो रहा है। फिर 1.5% कहाँ से हो रहा है, लैंड यूजर्स कमर्शियल से हो रहा है। फिर 1.1% जो हो रहा है आपका जो लास्ट बचा है, ये पावर स्टेशन से, तो ये पावर स्टेशन से इसमें कम हो रहा है। तो ये जो है पूरा टोटल, ये जो एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, हर सेक्टर से कितना कितना क्या क्या इमिशन हो रहा है वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाया गया है, मीथेन का दिखाया गया है, और नाइट्रस ऑक्साइड का दिखाया गया है। तो इतना जो है आपका गैस का इमिशन हो रहा है। देखिए इसका क्या असर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट जो वार्म हो जा रहा है वो सोलर रेडिएशन को पार नहीं हो जाने दे रहा, वापस उसे लौटने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक लेयर बना दे रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, CFC का। वो जो है बहुत CFC तो बहुत ज़्यादा प्रसिस्ट है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो बहुत दिन तक रहता है। तो ये सब जो है इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। तो यही ग्रीन हाउस गैसेस जो है इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ग्रीन हाउस मतलब वही हुआ कि जो आप सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको वापस जाने की जो क्रिया है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। तो वही ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट, जो सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसको वापस नहीं जाने दे रहे हैं, वही गैस जो है लेयरिंग बना रहा है, जिसके कारण वो जो है हमारा जो पृथ्वी का जो कंडीशन है वो वार्म होते जा रहा है, जिसके कारण सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन आ रहा है, वो जो लेयर डिप्लेशन हो रहा है, तो ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, गॉड ब्लेस यू।